कोरोना काल में मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में गरीब और जरूरतमंदों की मदद करने का सिलसिला निरंतर जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता और समाज सेवी सोनू दुबे द्वारा अब कांग्रेस कार्यालय रावट पार्क भगत सिंह वार्ड रांची में 400 से 500 जरूरतमंद परिवारों को कच्चा राशन के साथ साथ उन्हें 5 प्रकार की सब्जियां वितरित की गई। सोनू दुबे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि संकट काल में कोई भूखा नहीं सोए, यही उनका उद्देश्य है। आज हम लोगों के द्वारा रांची क्षेत्र के जिन परिवारों के राशन कार्ड नहीं थे, आज उन पूरे क्षेत्रों के लोगों को रांची के चिन्हित करके, जिन्हें आज तक शासन द्वारा किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल पाई है, उन सारे क्षेत्रों के लगभग 550 परिवार को चिन्हित करके हम लोगों ने पर्चियां बांट कर उन लोगों को आज कच्चे अनाज और हरी सब्जियों का वितरण का कार्यक्रम रखा है। और यह लगातार हर क्षेत्र में लगातार घूम घूम के ये कार्यक्रम जारी है, और इसी श्रृंखला में लगभग हम लोग एक महीने से रांची के सभी क्षेत्रों में पानी के टैंकर भी भेज रहे हैं, जिस वार्ड में जिस क्षेत्र में पानी की समस्या रहती है, और हम लोगों को जिस क्षेत्र में और सूचना मिलेगी तो वहां पे मदद करने का हम लोग मीडिया के माध्यम से प्रयास करेंगे कि पानी की समस्या या जहां खाने की समस्या हो वहाँ हम लोग आगे भी प्रयासरत रहेंगे। और हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम प्रशासनिक रूप से जो मदद और मिल सके, जिनके पास राशन कार्ड ना है वो प्रशासन में उनकी मदद करे, क्योंकि अभी समय उन लोगों की मदद करने का है। देखा जा रहा है कि आप लोगों के द्वारा पर्ची बांट के जो गरीब जरूरतमंद है, वहीं उसके बावजूद जब और भी लोग आ जा रहे हैं तो उनको भी राशन आप लोगों के द्वारा पर्ची बांटने के बाद भी हम लोग हर समय जब भी वितरण करते हैं तो लगभग 200-250 परिवारों का एक्स्ट्रा रखते हैं कि वो जो लोग आए तो बगैर पर्ची के भी उनको खाली हाथ कोई भी न लौटे, और सारे लोगों को कच्चा अनाज और सब्जियों का वितरण वो उसी एक ही श्रेणी में किया जाता है सभी लोगों को। जो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।